स्वागत आप सबका। आप देख रहे हैं वेल्स फायर वर्सेस ओवल इनविंसिबल्स द 100 मैच रिव्यू, जो खेला जाएगा सोफिया गार्डन्स कार्डिफ पे। मैच टाइमिंग शाम के 6:30 बजे। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लो। लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन प्लस कमेंट सेक्शन के अंदर आपको सबसे टॉप पे पिन करा हुआ मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे पिच रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। ये सेम वेन्यू है जहाँ पे 28 जुलाई को इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच में सेकंड T20I का मैच खेला गया था। तो अपन ने उस मैच के अंदर क्या देखा था, क्या सीखा था, आपको यहाँ पे स्टैट्स के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। और आपको दोस्तों एक और पॉइंट यहाँ पे नोट करना है, जो पिच यहाँ पे रहने वाली है ये न्यू रहेगी, फ्रेश रहेगी, तो यहाँ पे बैटर्स और बॉलर्स को दोनों को बराबर की मदद मिलेगी। जब भी दोस्तों सोनी के ऊपर मैच है 2022 के अंदर T20 के अंदर, रन पर ओवर कितना है सोनी के ऊपर, इसका मतलब क्या होता है, प्रति ओवर कितने रन बनते हैं, इसको बोलते हैं अपन RPO, रन पर ओवर 7.8 है। यहाँ पे प्रति ओवर 8 के आसपास रन गति रहती है। और आप सोचो जब यहाँ पे लास्ट मैच हुआ था ना, कौन सा T20 का, 28 जुलाई को मैच था इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच में सेकंड T20 था, उसके अंदर यहाँ पे साउथ अफ्रीका बैट फर्स्ट करी थी और उन्होंने यहाँ पर 207 रन बनाए थे 3 विकेट गवा के। वहीं दोस्तों फिर इंग्लैंड चेस करने आई थी, वो यहाँ पर 149 पे सिमट गई थी पूरी, 10 विकेट चले गए थे उनके। तो आप समझ सकते हो हाई स्कोरिंग दोस्तों वेन्यू यहाँ पर। और ये होम ग्राउंड है किसका, वेल्स फायर टीम का दोस्तों होम ग्राउंड है। मेरे पास कुछ फोटोज है प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए, तो आपको सबसे पहले लेके चलता हूँ फोटोज के ऊपर। तो दोस्तों आप देख सकते हो जब लास्ट टाइम यहाँ पे 28 जुलाई को मैच हुआ था ना इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच में, तब की दोस्तों पिच की फोटो मैंने इंस्टाग्राम से निकालने की कोशिश करी थी। पूरी क्लियर तो दोस्तों पिच की फोटो मिली नहीं, लेकिन थोड़ा सा आइडिया लग गया कि पिच कैसे दिखेगी। इस पिच के ऊपर ग्रास मौजूद है हल्की हल्की, आप देख सकते हो लाइव ग्रास है, ठीक है। अच्छी पिच है दोस्तों, बॉल बैट के ऊपर अच्छी गति से आने वाली है। यहाँ पर बाउंड्री डायमेंशंस की बात करते हैं, तो लास्ट टाइम दोस्तों जब मैच हुआ था ना तब का बाउंड्री डायमेंशन मैंने दोस्तों भी निकाल के रखा था। सामने की बाउंड्री यहाँ पे 73 मीटर है, 73 मीटर है जो स्क्वायर बाउंड्रीज है। एक तरफ दोस्तों 62 मीटर है, बहुत छोटी बाउंड्री यहाँ पे। लास्ट टाइम याद करो रैले रश ने क्या करा था, 96 रन की पारी खेली थी और छोटी बाउंड्री को टारगेट करा था। तो एक तरफ 62 मीटर है और दूसरी तरफ कितना है, 75 मीटर है। तो आप समझ सकते हो एक तरफ बहुत छोटी बाउंड्री है। तो दोस्तों बैटर्स कोशिश करेंगे इसी बाउंड्री को टारगेट करने की, और लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि छोटी बाउंड्रीज को एसेस करना है ना, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन रहना जरूरी है। स्टेडियम को भी देखना ऐसा दोस्तों, स्टेडियम दिखता बहुत ही प्यारा स्टेडियम है ये सोफिया गार्डन्स कार्डिफ, बहुत ही खूबसूरत मैदान है दोस्तों, शानदार जानदार शाम रहने वाली इस मैच के अंदर। चलते हैं स्टार्ट की तरफ। तब देखो सोनी के ऊपर वेल्स फायर कितने मैच खेली है, 4 मैच खेली है, 2 मैच जीती है, 2 मैच हारी है। पहली बार दोस्तों इस वेन्यू के ऊपर ओवल इनविंसिबल्स खेलने वाली है, ठीक है, जिससे पहले कभी नहीं खेला है लोगों ने। अब देखो इस वेन्यू के ऊपर लास्ट 7 मैचेस में क्या हुआ है, जो टीम बैट फर्स्ट करी है 3 मैच जीती है, जो टीम चेस करी यहाँ पर 4 मैच जीती है आउट ऑफ लास्ट 7 गेम्स। तो कह सकते हैं दोस्तों चाहे बैट फर्स्ट करो चाहे बैट सेकंड करो, इतना ज़्यादा दोस्तों मायने नहीं रखेगा मेरे हिसाब से। ज़्यादातर टीम से सोनी के ऊपर चेस करना पसंद करेगी, अच्छी पिच रहती है, रन बनते हैं यहाँ पर। अब देखो औसत दम स्कोर 140-170 आपको बनता दिखना चाहिए दोस्तों, अच्छी पिच रहती है यहाँ पे, अच्छी खेलती है पिच। अब देखो लास्ट 7 मैच में यहाँ पे क्या हुआ है, जिसको दोस्तों बोलते हैं अपन विकेट कॉलम, ये आपको पूरी चीज बताता है कि पिच के अंदर क्या होता है यहाँ पे। तो देखो लास्ट 7 मैच के अंदर पेसर्स ने तेज गेंदबाजों ने 61 विकेट्स निकाले हैं, पहली पारी के अंदर 30 है, दूसरी पारी के अंदर 31 है। तो आप समझ सकते हो दोनों पारी में दोस्तों पेसर्स बराबर वाला काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पहली पारी के जो गेंदबाज है बस वही अच्छा करके जा रहे हो, ठीक है। अब देखो राइट आर्म पेसर के 51 विकेट्स है, लेफ्ट आर्म पेसर के यहाँ पे 10 विकेट है। बात करते हैं स्पिनर्स की, तो स्पिनर्स ने लास्ट 7 मैच के अंदर 23 विकेट निकाले हैं, 23 पहली पारी के अंदर, 13 है दूसरी पारी के अंदर, 10 है। अब देखो किस टाइप के स्पिनर्स विकेट निकालते हैं, ऑफ स्पिनर्स का 7 विकेट है, लेग स्पिनर्स का 4 विकेट है, लेफ्ट आर्म चेयरमैन का 3 विकेट है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स का 9 विकेट है। लेफ्ट आर्म चेयरमैन कौन था पता आपको, तबराज शमसी, एक ही मैच खेला सीधा 3 विकेट हॉल निकाल गया था लास्ट टाइम। अब देखो जो लास्ट मैच हुआ था 28 जुलाई को इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच में सेकंड T20 था, उस मैच के अंदर कुल मिला के 13 विकेट गिरे थे। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इसके अंदर 207 रन भी बने थे स्टार्टिंग में, कहा था ना थोड़ी देर पहले, तो उस मैच के अंदर ना कुल मिला के 13 विकेट गिरे, 8 विकेट तेज गेंदबाज ने निकाला था लास्ट मैच में, 5 विकेट वहाँ पे स्पिनर गए थे। वेदर फोकस की बात करते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। तो देखो यहाँ पर ये मैच वहाँ पे 1:30 बजे स्टार्ट होगा, अपने यहाँ पे कितना बज रहा रहेगा, शाम के 6:30, ठीक है, संडे है ना दोस्तों, तो मैच वहाँ पे जल्दी हो रहा है। तो देखो वहाँ पे कैसा माहौल है, मोस्टली सनी है, 23 डिग्री सेल्सियस रहेगा, कोई चिंता की बात नहीं। वीडियो को लाइक करके स्टार्ट करना आपसे रिक्वेस्ट करूँगा मैं। और रूल्स नहीं पता आपको 100 के, तो क्या करना, यूट्यूब पे सर्च करना रूल्स ऑफ द 100 बाय स्टैट्स गुरुजी। दोस्तों वीडियो मेरा आपको मेरे वीडियो मिल जाएगा यूट्यूब के ऊपर, आप जाके देखना दोस्तों, मजा आ जाएगा आपको। इतने अच्छे से मैंने स्टैट्स वगैरह उसमें बताए, लॉजिकल चीज़ें बताई हैं क्या होता है दोस्तों 100 के अंदर, उसके रूल्स क्या हैं। न्यूज़ की बात करते हैं, तो भाई साहब मैं रूल्स रूल्स क्या बोल रहा हूँ, न्यूज़ की बात करते हैं।
रूल्स तो मैंने आपको कहा, आप जाके देख सकते हो यूट्यूब के ऊपर, सर्च कर लेना रूल्स ऑफ द 100 बाय स्टार्ट सुन लीजिए। न्यूज़ देखो यहाँ पे, न्यूज़ क्या आई है वेल्स वायर की तरफ से, जॉनी बैरिस्टो पूरे 100 से पुल्ड आउट कर चुके हैं, अनअवेलेबल हैं ड्यू टू द हेक्टिक शेड्यूल ऑफ इंटरनेशनल मैचेस। डेविड मिलर अवेलेबल होने चाहिए इस मैच के लिए, नसीम शाह नॉट अवेलेबल है, इन्होंने दोस्तों पुल्ड आउट कर लिया है। ओवल के अंदर दोस्तों कोई चिंता की बात नहीं है, इस मैच में रैले रशिया अवेलेबल हो सकते हैं, मोस्टली 90% चांसेस है। दोनों टीम्स ने आपस में एक मैच खेला और दोस्तों वो मैच ओवल इनविंसिबल्स ने जीता था कैनिंगटन ओवल के ऊपर। लाइनअप्स की बात करते हैं तो इस साल दोस्तों वेल्स फायर ने एक मैच खेला, वो मैच हारी थी। दोनों टीम दोस्तों अपना पहला मैच हार के आ रही है और ये लास्ट टाइम वेल्स फायर 7th के ऊपर फिनिश करी थी। अब देखो जो क्लार्क की ओपन करेंगे बैन किसके साथ, टॉम बेंटन के साथ, बैन डेकेट 1 डाउन है, सैमन 2 डाउन आने चाहिए, या फिर दोस्तों ओलीपॉप पे आ सकते हैं 2 डाउन, डेविड मिलर 3 डाउन, जॉश कॉब इस टीम की कैप्टनसी कर रहे हैं, राइटी बैटर है, रियान एगेंस आएंगे, एडम जैम्पा, नूर अहमद, डेविड पेन, जैक बॉल आपको खेलते हुए दिखेंगे। आप देखो प्रमुख गेंदबाज कौन होगा जो यहाँ पे 20 बॉल डालेगा। T20 में क्या होता है, एक बॉलर 24 बॉल डालता है, ठीक है, एक मैच के अंदर। यहाँ पे 20 बॉल डाली जाती है, तो मेरे को दोस्तों लग रहा है यहाँ पे एडम जैम्पा प्रमुख गेंदबाज रहेंगे, नूर अहमद रहेंगे, डेविड पेन रहेंगे, जैक बॉल यहाँ पे प्रमुख गेंदबाज रहने वाले हैं। चलते हैं दोस्तों किसकी तरफ, जो टीम ओवल इनविंसिबल्स अपना पहला मैच हार के आ रही है, ये भी जस्ट रन ओपन करेंगे विल जैक के साथ, रैले रशो 1 डाउन, सैम बिलिंग्स कप्तानी कर रहे हैं, सैम करन आएंगे, फिर जॉर्डन कॉक्स, सुनील नारायण, टॉम करन, रेस टॉपली, मोहम्मद हसनैन, डैन बिल्स आपको खेलते दिखेंगे। यहाँ पे हिल्टन कार्टराइट को बाहर जाना पड़ेगा, क्यों, अगर रैले रशो को खिलाना है। 3 ओवरसीज प्लेयर अलाउड है 100 के अंदर एक टीम के अंदर। लास्ट मैच का स्कोर कार्ड की बात करते हैं तो वेल्स फायर की तरफ से टॉम बेंटन ने पहले मैच में 6 रन बनाया था 8 गेंदों में, जू क्लार्के का 0 रन था 4 गेंद के अंदर, बैन डकेट ने 40 करा था 31 गेंदों में, और सैम हनकैम्प 9 गेंदों में 9 रन था। फिर यहाँ पर मिल्लर नहीं आए क्योंकि मिलर दोस्तों नेशनल ड्यूटी के ऊपर थे लास्ट मैच के अंदर। जॉश कॉब ने 5 रन बनाया था 6 गेंदों के अंदर, रनआउट हो गए थे, बहुत फनी रनआउट हुआ था, अगर आपने देखा होगा तो बहुत ही दोस्तों फनी रनआउट था। रियान एगिंस ने 11 बनाया था और 5 बॉल डाली, 5 रन दिया, विकेटलेस गए। एडम जैम्पा ने 15 गेंदें डाली, 20 रन दिया, विकेटलेस गए। नूर अहमद ने 15 गेंद डाली, 31 रन दिया, विकेटलेस गए। डेविड पेन ने 15 गेंदें डाली, 27 रन दिया, विकेटलेस गए। जैक बॉल ने 19 बॉल डाली, 25 रन दिया, 1 विकेट निकाला था। अच्छी गेंदबाजी करी थी जैक बॉल ने, इनके ओवर्स भी कराए थे क्योंकि अच्छे फॉर्म में दिख रहे थे। स्टार्टिंग ओवर कौन डालते हैं यहाँ पे वेल्स फायर के लिए, डालते हैं भाई साहब यहाँ पर डेविड पेन, जैक बॉल, एडम जैम्पा। डेथ रन के अंदर आएंगे डेविड पेन, जैक बॉल, रियान एगेंस, एडम जैम्पा। ओवल की बात करते हैं, इस टीम ने दोस्तों क्या करा था लास्ट मैच में, जसन रॉय 0 करे थे पहली बॉल के अंदर, आउट हो गए थे अनलकी तरीके से। विल जैक्स का 1 रन था, रैले रशो लास्ट मैच नहीं खेले, सैम बिलिंग्स का 1 रन था, अनलकी तरीके से आउट हुए थे, कैच आउट था दोस्तों, वो ये बोल रहे थे कैच आउट नहीं था, सैम बिलिंग्स थर्ड अंपायर के पास डिसीजन किया था कैच आउट का, इनका कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी वहाँ पे। सैम करन ने 8 रन बनाए पहले मैच के अंदर विद द बैट, और गेंदबाजी से 20 बॉल डाली, 29 रन दिया, अच्छी गेंदबाजी करी थी, 1 विकेट निकाला। जॉर्डन कॉक्स ने 39 रन दिया था विद द बैट बनाए 30 गेंदों के अंदर। सुनील नारायण ने 9 रन बनाया 7 गेंदों के अंदर विद द बॉल, 20 गेंदों में 25 रन दिया, अच्छी गेंदबाजी करी, 2 विकेट निकाले, और भाई साहब बहुत अच्छे दिख रहे थे जब बॉलिंग कर रहे थे, विकेट्स निकाल रहे थे और बैट्समैन को बीट भी कर रहे थे। टॉम करन 20 बॉल के अंदर 40 खा गया था भाई साहब, ये बहुत महंगा साबित हुआ था। विद द बैट 27 रन बनाए थे 15 गेंदों में, 2 छक्के 2 चौके शामिल थे। रिस टॉपली ने 26 गेंदों 20 बॉल में 26 रन दिया, 1 विकेट निकाला। हसनैन ने 15 गेंद में सीधा 40 रन दिया, 2 विकेट निकाला। डैनी ब्रिक्स ने यहाँ पे 29 रन बनाए थे विद द बैट, और इनसे सिर्फ 5 बॉल डलवाई थी जिसमें 10 रन दिया था इसने, डैनी ब्रिक्स ने, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स प्लेयर है। हिल्टन कार्टराइट ने दोस्तों बहुत लंबा छक्का मारा था 100 मीटर का, स्टेडियम के बाहर गया था। इन्होंने पिछले मैच के अंदर 23 गेंद के अंदर 42 रन बनाया था, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। स्टार्टिंग ओवर डैनी ब्रिक्स है, मोहम्मद हसनैन, सैम करन टॉप लीडर, तो अंदर हसनैन है, सैम करन, टॉम करन उनके भाई। अब देखो जब इस वेनी के ऊपर मैच हुआ है तो क्या हुआ है, वेल्स फायर की बात करते हैं यहाँ पे, टॉम बेंटन ने इस वेनी के ऊपर सोफिया गार्डन्स कार्डिफ पे क्या करा है, 6 मैच खेले, 118 रन है, बैट फर्स्ट 34-15-5-0, चेस के ऊपर 64-0 है। जो क्लार्क का यहाँ पे 58 है, स्वैनी के ऊपर एक ही मैच खेला, 58 करा था चेस करते हुए, बहुत बढ़िया बैटर है, सॉलिड टेक्निक है इस बंदे की। बैन डकेट 5 मैच खेले, स्वैनी के ऊपर 112 रन है, बैट फर्स्ट 53-32-12, चेस के ऊपर 9-6। सैमन एक मैच खेला, 45 नाबाद बनाया था स्वैनी के ऊपर। डेविड मिलर का यहाँ पे 5 मैच के अंदर 126 रन है, बैट फर्स्ट 47 है, चेस के ऊपर 72 नाबाद और 7 है। जोशुआ कॉब 4 मैच में 41 रन है, इस टीम की कप्तानी कर रहे हैं वेल्स फायर की, बैट फर्स्ट 11-2, चेस के ऊपर 28 नाबाद है। रियान एगिंस के यहाँ पे 8 मैचों में 10 विकेट है, बॉल फर्स्ट 5 मैचों में 5 विकेट है, बॉल सेकंड 3 मैचों में 5 विकेट है, 2 मैच के अंदर विकेटलेस गए। रियान एगिंस यहाँ पे अच्छी गेंदबाजी करते हैं विद द बैट 150 रन है, तो वो प्लेयर टू वॉच आउट रियान एगिंस फॉर द जीएल ग्रैंड लीग, जो बड़ी बड़ी लीग होती है ना, हजारों लोग खेलते हैं उसके अंदर, लाखों लोग,
एडम जैम्पा 0 विकेट बॉल फर्स्ट यहाँ पे इसेक्स की तरफ से खेला उन्होंने T20 ब्लास्ट के अंदर, तब का परफॉर्मेंस इनका ये। डेविड वेन की बात करते हैं यहाँ पे, तो इन्होंने क्या करा है यहाँ पे 11 मैचेस के अंदर 9 विकेट निकाले हैं स्वैनी के ऊपर। बॉल फर्स्ट 5 मैच में 5 विकेट है, बॉल सेकंड 6 मैच में 4 विकेट, 5 मैच के अंदर विकेट लस गए हैं। जैकी बॉल 3 मैच में 2 विकेट है, बॉल फर्स्ट 1 मैच में 1, बॉल सेकंड 2 मैच में 1 विकेट है और 1 मैच के अंदर विकेट लस गए हैं। ओली पॉपी भी अच्छा खेले यहाँ पे, 88 रन से 2 मैचेस के अंदर, 60 चेस के ऊपर 28 नाबाद चेस के ऊपर। लुइस डुप्लॉय का 3 मैच में 99 रन है। मैट क्रिस चलेगा 4 मैच में 4 विकेट 68 रन है। चलते हैं यहाँ पे ओवल इनविंसिबल्स की तरफ। जस्टिन रॉय 11 मैच खेले हैं यहाँ पर, इस वेन्यू के ऊपर 272 रन है। बैट फर्स्ट 61 51 21 15 11 8 चेस के ऊपर 36 17 17 15 20। विल जैक्स का 4 मैच में 49 रन है, बैट फर्स्ट 17 चेस के ऊपर 32 0 है। सुनील नारायण का 6 रन, बैट फर्स्ट 0 विकेट है। सैम बिलिंग्स का 7 मैच में 102 रन है, बैट फर्स्ट 30 12 2 चेस के ऊपर 33 24 1 है। कार्टराइट इस मैदान पर नहीं खेले। जॉर्डन कॉक्स ने इस मैदान पे 3 मैचेस में 54 रन बनाए, 54 बैट फर्स्ट 0 बैट फर्स्ट 2 ही बार बैट करा, 3 मैच खेल गए। सैम करन का 6 मैचों में 7 विकेट है, 64 रन विद द बैट है। बैट फर्स्ट 31 10 नाबाद 5 चेस के ऊपर 16 नाबाद 2। बॉल फर्स्ट 3 मैच में 3 विकेट है, बॉल सेकंड भी 3 मैचों में 3 विकेट है, 2 मैच के अंदर विकेट लग गए। फर्क यही है, टॉम करन भाई सभी स्वैनी पे कहर मचाते हैं। इनका यहाँ पर इस स्वैनी के ऊपर 6 मैचेस के अंदर 11 विकेट हैं। बॉल फर्स्ट 3 मैच में 6 विकेट है, बॉल सेकंड 3 मैच में 5 विकेट है, 1 मैच के अंदर विकेट लस गया। रीस टोपली का 5 में 5 विकेट है इस मैदान पे, बॉल फर्स्ट 2 मैचेस में 1 विकेट है, बॉल सेकंड 3 मैचों में 4 विकेट है और 2 मैच के अंदर विकेट लस गया। हसनैन भाया यहाँ पे 1 मैच खेल चुके हैं, 0 विकेट था, पाकिस्तान की तरफ से खेला था, 26 रन दिया था, ये भी याद है मेरे को कुछ। डैनी ब्रिक्स 11 मैच में यहाँ पे 8 विकेट है, 3 मैच के अंदर विकेट लग गए। नैथन सॉल्टर का 3 मैच में 1 विकेट है। रैले रेशो यार खेलेंगे, मेरे को ऊपर लिखना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं है। रैले रेशो का स्वैनी के ऊपर 4 मैच के अंदर 188 रन है। लास्ट टाइम 96 करा था 28 जुलाई को, जब मैच था दक्षिण अफ्रीका बनाम इंग्लैंड का मैच था, ठीक है, हिंदी में बोल रहा था मैं जस्ट इसलिए। तो अच्छी पारी थी वहाँ पे, बैट फर्स्ट 50 18 0 96 चेस के ऊपर 24 है। चलते हैं यहाँ पे हेड टू हेड स्टैट्स की तरफ। दोनों टीम्स आपस में आज तक एक ही बार एक दूसरे को फेस करा है, जिसके अंदर ओवल जीती थी, टॉम बेंटन ने करे थे 2, जो क्लार्क ने बनाए थे 15। हेड टू हेड के अंदर लुइस डुप्लॉय ने यहाँ पे करा था 17, बेंटेकर का 65 की पारी थी। जशुआ कॉप का यहाँ पर 1 मैच के अंदर 12 रन था। मैट कर्शली का 1 मैच के अंदर 3 रन 0 विकेट, ट्रियान अगेंस का 3 रन प्लस 0 विकेट था। डेविड बेन का यहाँ पे 1 मैच के अंदर 0 विकेट है, किसके अंदर, यहाँ पर हेड टू हेड के अंदर। चलते हैं दोस्तों ओवल की तरफ, ओवल की तरफ से किसने क्या करा है। जस्टिन रॉय ने जब वेल्स फार के खिलाफ खेला है 1 मैच के अंदर 8 रन करा है हेड टू हेड के अंदर। विल जैक्स का 1 मैच में 20 रन है, नारायण का 1 मैच में 19 रन 0 विकेट है, सैम बिलिंग्स का 2 मैच में 9 रन है। फिर यहाँ पे टॉम करन ने सीधा 1 मैच के अंदर 3 विकेट निकाला। वेन्यू भी अच्छे स्टैट्स है, हेड टू हेड भी अच्छे स्टैट्स हैं, डेथ ओवर में भी आते हैं भाई, कप्तानी बना सकते हैं उनको। टॉपली का 1 मैच में 1 विकेट है। डैनी ब्रिक्स ने दोस्तों 2 हेड टू हेड मैच खेले हैं अगेंस्ट वेल्स फायर। आप कहोगे उसने 2 मैच कहाँ से खेल लिए, दोस्तों पहले सदर्न ब्रेव टीम में था, तो ये टीम तो उसके खिलाफ 2 मैच खेल चुकी थी वेल्स फायर के, तो 2 मैचेस में 4 विकेट है हेड टू हेड के अंदर। मैट बिलिंग्स एक्स प्लेयर है, ये लास्ट ईयर का परफॉर्मेंस है 100 का, आप चाहे तो पढ़ सकते हो। जैसे एग्जांपल मैं समझाता हूँ, लास्ट ईयर 100 के अंदर टॉम बेंटन ने 8 मैच खेला था, 96 रन था, 12 की औसत थी। इसी तरह आप सारे प्लेयर के स्टार्ट्स को यहाँ पे देख सकते हो, मैंने आपको पहले भी समझाई है। मैचेस की तरफ चलते हैं तो देखो यहाँ पे, तो यहाँ पर टॉम बेंटन का दोस्तों स्ट्रगल है किसके सामने, सैम करन के सामने। 20 गेंद 27 रन एक बार आउट हुए, टोपली के सामने 16 गेंदों में 14 रन एक बार आउट हुए हैं। तो लेफ्ट आर्म पेसर दोस्तों पे थ्रेट हो सकता है। रीजन क्या है, रीजन यही है कि भाई साहब यहाँ पे जो लेफ्ट आर्म पेसर उनको बाउंस मिलता है, हाइट है यहाँ पे टोपली के पास, सैम करन के बॉल स्किड होती है, तो दोनों को दोस्तों पढ़ने लग जाते हैं ना, तो दिमाग के ऊपर चली जाती है चीज़ें। क्यों, क्योंकि एक गेंदबाज की जो लेफ्ट आर्म पेसर है बाउंस मिल रहा है, एक ही दोस्तों बॉल स्किड होती है, तो आपको वहाँ पर एडजस्ट करना पड़ता है। चलते हैं स्पिन के सामने भी फंसते हैं ये। जो क्लार्के का आप मैचअप देख सकते हो यहाँ पे किसके सामने, टोपली के सामने, डैनी ब्रिक्स के सामने और नैथन सॉल्टर के सामने। ओली पॉप का किसके सामने मैचअप नहीं है, ना टॉम करन के सामने आउट में। ज़्यादातर आपको सीरीज से ना जो ओली पॉप है वो दोस्तों जो टीम है ना कौन सी ओवल, ये पहले उसके प्लेयर थे, प्लस एक और एक्स फैक्टर है जो अभी ओवल की टीम के अंदर प्लेयर्स है ना, टॉम करन ले लो आप, सैम करन ले लो, फिर उसके अंदर आप रीस टोपली ले लो, ये सब एक साथ खेलते हैं सरी के लिए, तो वो सारे टीममेट है, इसलिए दोस्तों एक दूसरे के खिलाफ कभी खेला नहीं है। बेन टेकेट का मैचअप है डैनी ब्रिक्स के सामने, 14 गेंद 30 रन 2 बार आउट हुए, दोनों बार पहली पारी में। पैट्रिक ब्राउन ने 23 गेंद में 28 रन देकर 2 बार आउट कर रखा है इनको। डेविड मिलर का स्ट्रगल टॉम करन के सामने, 21 गेंद 29 रन 2 बार आउट करा है और 2 बार पहली पारी में। उनके भाई ने भी दोस्तों कुछ ऐसा छोटा मोटा काम नहीं करा, उन्होंने भी 1 बार आउट कर रखा है, 9 गेंदों में 16 रन देकर 1 बार।
आएंगे यहाँ पे जेसन रॉय, इनका आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हाल है, इनका स्ट्रगल दोस्तों डेविड पेन के सामने रहा है। कितनी बार आउट हुए हैं ये भाई साहब, 3 बार आउट हुए डेविड पेन के सामने 24 गेंदों में 28 रन बना के, और 2 बार दूसरी बारी। मैडम जंपा ने 45 गेंद में 68 रन तक एक बार आउट करा हुआ है। जैक बॉल ने 14 गेंदों में 13 रन तक एक बार आउट करा है। लेग स्पिन के सामने फंसते हैं, 72 पारी के अंदर 29 बार आउट हुए लेग स्पिन के सामने। T20 के अंदर 418 गेंदों के अंदर 586 रन है। विल जैक्स वर्सेस जैकी बॉल, 4 गेंद 3 रन, 2 बार आउट करा, दोनों बार पहली बारी। मैडम जैम्पा ने 2 गेंद में 1 रन तक एक बार आउट करा है। डेविड पेन ने 33 गेंदों में 50 रन तक एक बार आउट करा है। नारायण वर्सेस जैम्पा, 2 गेंद 1 रन, 1 बार आउट करा है। सैम बिलिंग्स वर्सेस आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, रियान एगिंस 10 गेंद 16 रन, 1 बार आउट करा है। डेविड पेन परेशान करते हैं, लेफ्ट आर्म पेसर के सामने फंसते हैं, मैंने आपको पहले भी लिख के दिया हुआ था चीज। 19 गेंद 17 रन, 1 बार आउट हुए डेविड पेन के सामने, रन में बॉल भी नहीं है। कार्टराइट का मैचअप दोस्तों टाइम जंपा के सामने आपको देखने को मिलेगा, दोनों टीममेट है, मेलबर्न स्टार्स के लिए खेलते हैं। उनके सामने 16 गेंदों में 19 रन बना के एक बार आउट में, जब ये मेलबर्न स्टार्स में खेलते थे एडम जंपा, वो और 4-5 साल पहले हिल्टन कार्टराइट पर्ट्स स्कॉचेस के लिए खेलते थे, अभी 3-4 साल पहले हिल्टन कार्टराइट मेलबर्न स्टार्स के अंदर आए। रैले रशो का मैचअप जंपा के सामने, 70 गेंद 63 रन, 3 बार आउट हुए, दो बार तो दूसरी पारी में आउट किया इनको। जॉर्ज क्रिमशो ने 1 बार आउट कर रखा है इनको, टाउनटन के अंदर मैच था अगर आपको याद हो तो, उसके अंदर रैले रशो ने 5 गेंदों में 5 छक्के दिया था, 1 चौका दिया था याद हो तो आपको। सैम करन यहाँ पे कॉमन कैप्टन, सुनील नारायण कॉमन कैप्टन बड़ी लीग में बना हो, सैम करन, सुनील नारायण, टॉम करन, बेन डकेट अलग जाना है, जो क्लार्क के रैले रशो खेलते हैं तो वरना एडम जंपा। बात करेंगे दोस्तों टीम की, कैप्टन यहाँ पे सैम करन है, डेवतर में भी आते हैं 2 या 3 डाउन बैट करने चाहिए, इवन 1 डाउन आ सकता है, लेकिन 1 डाउन तो मुझे लग रहा है रैले रशो जगह ले लेंगे। यहाँ पे नारायण है, जेसन रॉय, जो क्लार्क, बेन डकेट, यार रॉय को लेना है नहीं लेना दोस्तों, आप खुद कहना है, मेरा दिमाग घूम चुका है यहाँ पे। जेसन रॉय प्लेयर बहुत बड़ा है, लेकिन किसी दिन बड़ी पारी खेलिए ना तो अपने दिल में रहेगा कि यार अपन ने आज लिया नहीं था, आज बड़ी पारी खेली है। देन टॉम बेंटन है यहाँ पे, और एडम जंपा, जैक बॉल, टॉम करन, मोहम्मद हसनैन। एक चीज क्या कर सकते हो आप यहाँ पर, रियान एगिंस को ले सकते हो इंस्टेड ऑफ रैले रशो, या फिर दोस्तों जेसन रॉय। रियान एगिंस बहुत अच्छा प्लेयर है, डेप्थ के अंदर भी डालेगा जितना मुश्किल मुझे लग रहा है। 1-2 ओवर यॉर्कर्स अच्छी नेल करता है, 1-2 ओवर मतलब कि 1 ओवर 5 बॉल का होता है सेट, तो समझ सकते हो 10 बॉल डाल सकता है डेप्थ के अंदर 70-80 बॉल के बाद। टॉम बेंटन दोस्तों बहुत अच्छे पिक है, कीपिंग के अंदर फॉर्म बहुत बड़ा कंसर्न रहता है इनका, हाई लेवल के ऊपर 2 साल से परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं। 2020 इनका यादगार साल गया था, 2019 उसके बाद भाई ने रन ही नहीं बनाया बिल्कुल, सीरियसली वाली बात है। जॉर्डन कॉक्स नीचे खेलते हैं, वरना भी अच्छी भी है। बिलिंग्स दोस्तों 1 डाउन खेलेंगे तो आप पिक कर लेना इस मैच के अंदर इंस्टेड ऑफ टॉम बेंटन। टॉम बेंटन ही टीम स्टाइल प्लेयर, 1-2 छक्का मारते हैं आउट हो जाते हैं, बड़ी पारी में दोस्तों उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा तभी दोस्तों बड़े प्लेयर बन पाएंगे। बेन डकेट इंपॉर्टेंट है, बहुत स्मार्ट प्लेयर है। हिल्टन कार्टराइट खेलेंगे तो पिक कर सकते हो। जेसन रॉय ज़्यादा नहीं कहूँगा भाई, आउट ऑफ फॉर्म बंदा है, टैलेंटेड बहुत, ओली पॉपे सीरियस टैलेंट है भी, 1 डाउन खेले तो ट्राई कर लेना, बस दिक्कत क्या कि ये भाई साहब अपना 100 है, T20 भी नहीं है, ये तो टेस्ट वाले प्लेयर है थोड़े से, लेकिन अच्छी टेक्निक से खेलते हैं, सोने पर रन्स भी बनाए हैं, मैंने आप स्टैट्स शो करे थे तभी आपको याद हो तो। विल जैक्स हार्ड हिटर बैटर है, ये फॉर्मेट इनको सूट करता है छोटा वाला, तो देखते हैं किस तरह। जो क्लार्क के दोस्तों इंपॉर्टेंट प्लेयर है, मिलर खेलेंगे तो ले लेना, रैले रशो खेलेंगे तो इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलते हैं, सुनील नारायण इंपॉर्टेंट है, सैम करन इंपॉर्टेंट है, रियान गेंद दोस्तों ग्रैंड लीग पिक बनेंगे, डेथर के अंदर आते हैं, रिस टोपली आपको भी डिपेंड करेगा, एडम जंपा इंपॉर्टेंट, हसनैन दोस्तों डेथर में भी आएंगे, लास्ट मैच में थोड़ी सी कुटाई हुई थी। जैक बॉल वेरिएशन अच्छे हैं, टॉम करन के पास एक्सपीरियंस है, नूर अहमद को ग्रैंड लीग में रोटेट कर सकते हो, और वेल्स फायर पहले गेंदबाजी करती है तो डेविड पेन को एक टीम में रोटेट कर सकते हो। और कोई भी फर्दर अपडेट्स अगर दूंगा टेलीग्राम के ऊपर, लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल कमेंट सेक्शन प्लस आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इससे दोस्तों फायदा क्या, कोई भी अपडेट आएगी ना तो आपको टेलीग्राम पे दे दिया करूंगा लाइनअप्स के बाद। और अगर दोस्तों आपको स्टैट्स रिटर्न फॉर्मेट में चाहिए, लिखित फॉर्मेट में चाहिए सारे स्टैट्स, तो आप क्या करना, प्ले स्टोर के ऊपर जाना, सर्च करना स्टैट्स गुरुजी, आपको हमारा ऐप वहाँ पे मिल जाएगा, जिसके अंदर जो मैं आपको वीडियो में सारे स्टैट्स शो कराऊँ ना वो वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो देखते रहिए स्टैट्स गुरुजी, मिलते अगली दफ़ा, आप हो तो मैं हूँ, जय हिंद।